फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया गुप्ता और आपके साथ लेके आई हूं यूपी टेट के पीवाईक्यू। ओके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स के, उसे हम यहां पे डिस्कशन करेंगे पेपर वन एंड पेपर टू के। आपको दोनों के क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। ओके, एंड यस, आप क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड सॉल्यूशंस का भी आपको फुल्ली यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड होगा। ओके, तो ये रहा मेरे बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आप चाहो तो इसे यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यस, ये रही चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पेपर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर वन का 2011 के क्वेश्चन। ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कल ही आपको करा दिए थे। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब जो बचे हुए 15 क्वेश्चन थे 2011 के, उसे ही हम जा रहे हैं आगे डिस्कशन करने। तो आइए करते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 106 है, वो देखिए क्या कहते हैं। कैरी आउट द ऑपरेशन एज रिटन, 9 + 7 एंड देन डिवाइडेड बाई 4 × 5। ठीक है, आइए तो इसे यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसे आपको परफॉर्म करके बताना है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपको ये जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे ये बायलिंगुअल रहेंगे। ठीक है, इस मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बोथ में होगा ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर अगर आप हिंदी या फिर इंग्लिश कैसे भी बैकग्राउंड से, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर आपका बोथ मीडियम में रहता है। ओके, तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 106 का क्वेश्चन है, क्या दिया है देखिए। सबसे पहले लिखा है 9 + 7 विद इन ब्रैकेट है, ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, 4 × 5। तो जैसे कि मुझे पता है, देखिए जो बोर्ड मार्क्स का रूल होता है उसे ही हम साथ साथ याद रख के फॉलो करते हुए चलेंगे। तो क्या होता है, देखिए ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख रहा है, पहले आप उसे सॉल्व करोगे। देखिए आप क्या ब्रैकेट मुझे दिख रहा है, देखिए 9 + 7 के तो जाएगा 16। मैंने इसे सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट आपका हट चुका है। आप क्या लगाएंगे, डिविजन 4 × 5। अब कहाँ मूव करना है, ऑफ पे। ऑफ तो क्वेश्चन में है नहीं, बट डिविजन है। ध्यान से देखिए, इसके बाद डिविजन आ रहा है तो क्या करेंगे, डिविजन आइए कर लेते हैं। डिविजन के लिए आप इसे चेंज कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन में, 1/4 यहाँ हो जाएगा 5। कितना जाएगा देखिए, 4 × 4 = 16। ओवरऑल आपको मिल जाएगा 4 × 5 = 20 और ये हो जाएगा आपको यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, ओके, दैट इज 20। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शन इज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, ये जो आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसका मतलब क्या होता है, आपको आरोही क्रम में लगाना है, छोटे से बड़ा लगाना है। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए कि आपको छोटे से बड़ा इन फ्रैक्शन को लगाना है जो आपको भिन्न यहाँ पे दिए गए। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं आपको देखिए सबका लिख लेती हूँ। पहला आपको क्या दिया, देखिए 3/8। ठीक है, अगर 3/8 को मैं एज ए पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो आप सोचिए थोड़ा सा अगर हमसे डिवाइड करें, देखिए 0 जाएगा, देखिए उसके बाद क्या आएगा, 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32 ज्यादा हो गया, तो 8 × 3 = 24। अभी मैं इतने पे ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, अगर मुझे कोई ऐसा सेम दिखा तो मैं आगे तक जाऊंगी। देखिए मुझे 3/8 मिल चुका। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, 5/6। तो आइए इसे भी करके देख लेते हैं। 0 पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि लगाना ही पड़ेगा। फिर देखिए 6/8 का कितना होता है, 48। तो आपने कर दिया यहाँ पे 6/8 = 48, इतने पे ही छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट क्या है आपका, 2/3। इसे भी जब आप करोगे, देखिए 0 पॉइंट जाएगा और 3/6 = 18 तक जाएगा, तो छोड़ देते हैं। देखिए मैं आगे इसलिए ऑपरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा सेम नंबर नहीं मिला है जिसमें 0.3333 आए या फिर 0.34 आए, तब हमको आसपास एकदम निकालना पड़ता है। आखिरी क्या है आपका, 5/9। जब इसे करेंगे तो देखिए कितना जाएगा, 0 पॉइंट करेंगे और आपका आ जाएगा 9/5 = 45 या तो 9/5। तो अब आपको देखिए कितनी साफ साफ दिख रहा है, आपसे कहा ना आरोही क्रम में छोटे से बड़ा। सबसे छोटा यहाँ पे देखिए कौन सा आपको दिख रहा है, सबसे छोटा आपको दिख रहा है 3/8, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर देखिए इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा आपको दिख रहा होगा 5/9, लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 0.5 फिर उससे बड़ा है। इससे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, 2/3 कितना है, 0.6, तो ये लिख लेंगे। और सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा 5/6 है, जो कि कितना है, 0.8। अब आइए इसी पैटर्न को ढूंढते हैं कहाँ पे है, 3/8, 5/9, 2/3, 5। ये आपको मिल चुका होगा, ये हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सो होप्स आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्लियरली। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्टिन हैज सम मार्बल्स, ही लॉस्ट 14 एंड स्टिल हैड 6 मार्बल्स। ठीक है, 6 लेफ्ट।
हाउ मेनी डिड ही हैव स्टार्टेड विद, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जो मार्टिन है उसके पास कुछ मार्बल थे, हुआ क्या उसने उसमें से 14 मार्बल को खो दिया, क्या करा, 14 मार्बल तो भाई उसने खो दिए, बट उसके पास अभी भी 6 बचा है, समझ रहे हैं, उसके पास अभी भी 6 बचे हैं। तो आपसे कह रहा है उसके पास शुरुआत में थे कितने मार्बल, आइए तो इसे समझते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट उसके पास इनिशियली, ओके इनिशियली ही हैड एक्स मार्बल, ठीक है, उसके पास मान लीजिए शुरू में एक्स मार्बल थे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, देखिए जो उसके पास एक्स मार्बल थे जब उसमें से कितना खो दिया, जब 14 खो दिया, मतलब जब 14 माइनस कर दिया, अभी भी उसके पास 6 बचा हुआ है। यही तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार हुई, देखिए सिंपल सा, बस आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ के सेट करके तैयार करना, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल है, ठीक है। तो क्या जगह, देखिए एक्स इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, और देखिए 14 नेगेटिव में वहां जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा 20। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्टिन था उसके पास शुरू में 20 मार्बल थे, जिसमें से जब उसने 14 खो दिए तो उसके पास 6 लेफ्ट हुए। ओके, तो आप यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे, बी ऑप्शन दैट इज 20। ओके, यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 109, जिसमें देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिला हुआ है, तो इसे हम समझ लेते हैं। 1/3 प्लस 7/9, और देखिए यहाँ पे डिविजन का सिंबल लगा है, एडिशन नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा, और फिर 7/10 मल्टीप्लीकेशन 1 होल 1/4, तो देखिए मैं से सीधे लिख देती हूँ 5/4, कोई इशू तो नहीं है, 4 1 4 और +1 कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में था हमने इसको नॉर्मल लिख दिया, ठीक है, इम्प्रॉपर में। आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है बोर्ड मास का रूल, अभी जो मैंने आपको जस्ट बताया वही यहाँ फिर यूज होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें ब्रैकेट दिख रहा है, तो क्या करा जाए, सबसे पहले ब्रैकेट को आगे सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 1/3 प्लस 7/9 और डिवीजन को एज इट इज। अब देखिए जब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए 5 1 5 5 2 10, ब्रैकेट में हो गया कट गया, तो मुझे अंदर क्या मिला 7/8, तो देखिए 4 2 8 हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे 1/3 प्लस 7/9 डिवीजन, यहाँ हम लिखेंगे 7/8, इतना मैंने लिख लिया। ओके, अब देखिए ब्रैकेट तो हट चुका, अब हम कहाँ पहुंचेंगे, ब्रैकेट ऑफ था यानी डिवीजन के पास आ जाइए, आप अप्लाई करिए जहां पे डिवीजन हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा है 1/3, ये तो +7/9 है, डिवीजन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा 8/7, क्योंकि हम पहले से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए 7 7 आपका कट हो गया, ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल गई, 1/3 और प्लस लगाएंगे और देखिए 8/9। अब क्या करना चाहिए, इसका ले लेते हैं एलसीएम नीचे का, दोनों सेम है नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए 9 एलसीएम आ जाएगा, नीचे में हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3, तो ऊपर भी करना पड़ेगा और ये आपका एज इट इज +8 रहेगा। ओके, तो अब देखिए आपको आपको क्या मिल जाएगा, 3 1 3 प्लस 8/9, इट मीन्स आपको वैल्यू मिल जाएगी 11/9 और ये हो जाएगा इसका आपका कंप्लीट यहाँ पे आंसर, ठीक है। देख लेते हैं आंसर आपको मिक्स में तो नहीं दिया है, यस आपको मिक्स में दिया है, तो देखिए मैं इसे चेंज यहाँ पे कर दी, क्योंकि देखिए जब भी आपको डिनोमिनेटर, मतलब जब भी आपको डिनोमिनेटर छोटा मिले और न्यूमिनेटर बड़ा मिले ना, जो कि ऊपर लिखा है ना अंश और हर, अगर आपको कभी भी अंश ऊपर जो होता है वो बड़ा मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसको हर से विभाजित करके जो आएगा उसे लिख देंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, 9 1 9 यहाँ पे आएगा और 2 आपको बचेगा, तो हम ऐसे ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यही हो जाएगा आपका इसका यहाँ पे आंसर। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पे 1 होल 2/9, या आपका देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर बन जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो आपको बोर्ड मार्क्स का नियम है बहुत ही ध्यान से करना है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आपको खाली से सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन का आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन में क्या देखिए, 2.6 को मल्टीप्लाई करना है 0.91 से, तो देखिए पॉइंट देख के डरना नहीं है, हमें पॉइंट को पहले ही उड़ा के हटा देना है ताकि हमारा कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए, तो क्या लिख दिया जाए, 26 मल्टीप्लीकेशन 91, और देखिए मैंने सारे पॉइंट हटा दिए तो मेरे को क्या मिल गया, यहाँ से एक पॉइंट हटा तो 10, यहाँ से हटा तो कितना नीचे 100 आ गए। ओके, अब आइए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या लिखा है आपको देखिए, 26 मल्टीप्लीकेशन 91, तो पहले आपका आ जाएगा 26 यहाँ पे, फिर हम करेंगे देखिए 9 6 54 आप कर लिया, 9 2 18, 18 5 कितना जाता है 23, तो कितना मिल गया 6 4 2 6 और 23, तो कितना आपको मिल गया यहाँ पे वैल्यू 2 3 6 6, बट नीचे क्या बैठा है, नीचे आपके बैठे हैं 1000। अब इसको जब पॉइंट, जब आप 0 से हटाएंगे ऊपर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, जितना नंबर जितना 0 है उसके पीछे पॉइंट लगेगा, तो कितना आ जाएगा 2.366।
और ये हो जाएगा इसका आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारे यहाँ पे कौन सा वाला आंसर सही है। 2.36, या आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही उत्तर है उस प्रश्न का। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी हाफ इन वन होल 1/2। आपसे कह रहा है कि एक होल 1/2 में कितने आधे होंगे। ओके, आपसे यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, लेट एक्स हाफ आर देयर इन वन होल 1/2, तो इसे हम लिख लेते हैं 3/2। ठीक है, इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन से हटाएंगे तो हमें क्या समझ में आया, देखिए मैंने ये मान लिया कि मान लेते हैं एक्स हाफ होंगे, तो इससे आपको क्या बात समझ में आई, इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि एक्स यहाँ पे ओके तो देखिए जो एक्स आपके एक्स हाफ होंगे किसमें, 3/2 में। देखिए मैंने क्या लिखा, ध्यान समझिएगा, मैंने बोला आपसे यहाँ पे पूछा ना कितने हाफ होंगे, मैंने कह दिया एक्स हाफ होंगे, एक्स मल्टीप्लीकेशन हाफ इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि आपसे कह रहा है 3/2 में कितने हाफ होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे आइए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना जाएगा 3/2, और ये देखिए वहां पे आपको जाएगा तो दे देगा 2/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 2 कट जाएगा, आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 3। इट मीन्स जो आपका 3/2 है उसमें 3 हाफ होंगे। देखिए 3 आया ना आंसर, इसका मतलब इसमें 3 आधे होंगे। ठीक है, 3/2 में, तो आइए इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका सही उत्तर बन जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए फिर से सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है, और अगेन मैं यहाँ पे आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज करना होगा, हमारा बॉर्ड मास का रूल, ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रैकेट तो लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, 44 - 6 + 43 मल्टीप्लीकेशन 2 - 87। तो क्या काम किया जाए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिविजन में नहीं है, हम पहुंच जाएंगे यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 44 - 6 ऐसे रहने दीजिए, और इसको आप कर लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखिए कितना आ जाएगा, 3 2 6 4 2 8, ये चेंज हो गया। अब आप देखो ध्यान से आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे गायब हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू मिल जा रही है, अब देखिए 44 में से अगर मैं 6 घटा दूं तो मेरे को यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझे वैल्यू मिल जाएगी 38, और यहाँ देखिए अगर मैं 86 है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 87 नेगेटिव में है, तो देखिए -1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिला क्या, आपको वैल्यू मिल गई 38 - 1, जो कि आपको कितना दे देगा 37, और ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, 37 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आइए देख लेते हैं कौन सा वाला सही होगा, या यहाँ पे आपका ए उत्तर जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। ठीक है, सो आपको तो समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। आपसे कह रहा है आपको बताना क्या है, परिमाप बताना है वर्ग का। ठीक है, वर्ग का परिमाप बताना है, और आपको उस वर्ग की भुजा दी गई है कितनी, 8.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, उसका आपको साइड दिया गया है प्रत्येक भुजा जो है, तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। हम सबसे पहले देखिए लिख लेंगे यहाँ पे कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, साइड दे दिया है आपको। अब देखिए आपसे कह रहा है पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर का अर्थ क्या हो गया, आपको बताना है यहाँ पे परिमाप। ठीक है, वर्ग का ये क्या होता है, देखिए ये आपका होता है 4 × साइड। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वर्ग का परिमाप आपका आया कैसे, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप तुरंत वहां पे समझ के भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, मान लीजिए ये ए है, बी, सी और डी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर का मतलब अगर ये ए है तो चारों के चारों सबका सब ए होगा। अब देखिएगा बात हो रही है परिमाप की, परिमाप क्या होता है, परिमाप किसी भी बंद आकृति के जो बाहर का आपका लेंथ का सम होता है इसी को बोलते हैं परिमाप। मतलब अगर मैं ए पॉइंट से चालू करूं और मैं वापस ए पे आ जाऊं, ए से मैं चली, ए से मैं चलते चलते यहां तक गई, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, वापस ए पे अगर आ जाऊं, यहाँ पे देखिए वापस आ जाऊं, तो मैं क्या पूछूंगी आपसे कि आपने कितनी दूरी तय की ना, वो जो बाउंड्री, तो वही आपका होता है परिमाप। तो अगर आप इस प्रश्न में देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर ये आपका 8.2 हर चारों ओर का हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, परिमाप के लिए ये आपका 4 × हेड आया कहाँ से, ऐसे ही तो आया है
ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब चारों भुजाओं पे चलते अगर सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 4 इंटू ए। और ए क्या होता है, ए होता है आपको वही भुजा का साइड जो दिया होता है, कितना आ जाएगा 4 इंटू 8.2, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और आपको ना वैल्यू मिल जाएगी 4 2 8, 8 4 32, तो कितना मिल गया 32.8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आपको रिक्वायर्ड यहाँ पे आंसर। ओके, तो क्लियर हो रहा है आपको हमने कैसे किया। तो हमने साथ साथ यहाँ पे क्या सीख लिया, हमने परिमाप भी सीख लिया कि कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी फिगर का परिमाप बिना याद किए समझ के खुद ही तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको वहां पे एग्जाम में नहीं याद आता है कि क्या वहां पे उसका सूत्र है, क्या फॉर्मूला है, आप ऐसे आपको फिगर सोची क्या होगा और उसका आपको भुजा वगैरह सब लिखी हो, फटाफट आप वहां पे परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इस प्रश्न में आपका सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। ओके, 32.8 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अ टिन कंटेन्स 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक टिन है जो कि 20 लीटर ऑफ पेट्रोल कंटेन किए हुए हुए, और वो कह रहा है ड्यू टू लीकेज, लीकेज की वजह से, मतलब उसमें कुछ लीकेज या कुछ छेद होगा उस टिन में, तो उसकी वजह से आपका 3 लीटर ऑफ पेट्रोल लॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 3 लीटर जो पेट्रोल है वो बह जा रहा है। ओके, तो क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट परसेंटेज इज प्रेजेंट इन द टिन, मतलब अब आपसे पूछ रहा है ना कितना परसेंट जो तेल है वो बचा हुआ है टिन में, आपको ये बताना है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखिए टिन हैज, टिन के पास कितना है, 20 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, और हुआ क्या, जब उसमें से लॉस्ट हो गया, लॉस्ट अमाउंट कितना है आपका 3 लीटर, 3 लीटर जब लॉस्ट हो गया तो ये बताइए लेफ्ट कितना हो जाएगा, लेफ्ट जो अमाउंट होगा वो आपका हो जाएगा ना 20 माइनस 3, ठीक है, दैट मींस 17 लीटर। तो देखिए 17 लीटर ऑफ पेट्रोल अभी भी बचा है। अब ये आपसे ये नहीं पूछा कि कितना पेट्रोल बचा है, आपसे कह रहा है कितना परसेंटेज पेट्रोल बचा है, तो कैसे बताएंगे, बचा तो इतना है, हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ पेट्रोल प्रेजेंट, ओके, इज इक्वल टू, जितना बचा है वो कितना है, 17 लीटर बचा है, और था कितना शुरू में 20 लीटर, घुड़े 100 कर देंगे ना, ये परसेंटेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, तो कितना जाएगा, देखिए 21 से 25 से कट जाएगा, और 17.5 से आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 85%, यही हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। इसका मतलब अगर आपसे पूछता कि कितना पेट्रोल बचा है तब तो आप बताते 17 लीटर, आपसे पूछ रहे कितना परसेंट पेट्रोल बचा है ना, तो आप क्या बताएंगे, 85%। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो उस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, 3 पेंसिल कॉस्ट ₹20, हाउ मच विल 6 डजन कॉस्ट। आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए कि 3 पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है आपका, 20 रुपए है। ठीक है, आप मतलब 3 पेंसिल गए मार्केट में, आप लेके आ रहे हो, 20 रुपए शॉप वाले को दिया, उसने आपको 3 पेंसिल दे दी। आपसे कह रहा है अगर आपको 6 दर्जन पेंसिल खरीदनी हो तो भाई कितने पैसे लग जाएंगे, आइए समझते हैं इसे। ऐसे लिखेंगे, देखिए कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल इज इक्वल टू कितना, ₹20। ठीक है, 20 रुपया आ जाएगा। ओके, तो ये बताइए यहां से अगर मैं एक पेंसिल का दाम निकाल लूं, एक पेंसिल का रेट निकाल लूं, तो कितना आ जाएगा, 20/3, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, बट आपसे पूछ के रहे 6 दर्जन, तो ये बताइए 6 दर्जन यहाँ पे लिखा है अगर, तो 6 दर्जन में कितने पेंसिल हो जाएंगी आपकी, 1 दर्जन में होता है 12, तो 6 दर्जन में कितना हो जाएगा, 6 गुणे 12, तो कितने मिल गए, 12 6 72 पेंसिल। तो पता है क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे यही तो पूछ रहा है 3 पेंसिल का दाम इतना है तो 72 पेंसिल का दाम कितना होगा, इसी 6 दर्जन को 72 ही तो कहा गया है। ठीक है, वो आपके समझने पे कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं प्रश्न। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो कॉस्ट ऑफ 72 पेंसिल इज इक्वल टू 20/3 मल्टीप्लीकेशन 72। ठीक है, ओके, अब देखिए इसे आइए डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 2 6, ओके, एंड 3 4 12, तो कितना मिल गया, 24 मल्टीप्लीकेशन 20, और कितना आ जाएगा, 4 2 8, 2 4, तो ₹480 जो है यही इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। इसका मतलब जो आपको 72 पेंसिल लेनी है, जो 6 दर्जन पेंसिल लेना है, उसके लिए आपको ₹480 यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सी उत्तर है वो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको इवैल्यूएट करना है √64 को, और यहाँ पे क्या है, क्यूबिक रूट है। देखिए प्रश्न बहुत ध्यान से देखने वाला है आपसे, एकदम गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक
ठीक है, रूट लगाना है 64, और ध्यान से देखिएगा माइनस लग के छोटा सा यहाँ पे कि 3 लिखा हुआ है, फिर 64। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्यूबिक रूट है, और जब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो ये स्क्वायर रूट है। आपका मन करे तो 2 लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तब भी वो समझ आ रहा है कि मेरे को क्या है, वो वहां पे आपका वही लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब देखिएगा स्क्वायर रूट का सेंस क्या होता है, अगर मैं 64 ऐसे लिखूं, स्क्वायर रूट हटा दूं तो सीधे मेरे को 1/2 मिल जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि जब मैंने क्यूबिक रूट हटाया तो ये 1/3 मिल जाता है पावर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके यहाँ बता रही हूँ, आप चाहो तो तुरंत शॉर्टकट लगा के भी निकाल सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है, ट्रिक के थ्रू आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। कि देखिए मैं आपको पहले शॉर्टकट बता देती हूँ, ये क्या लिखा है, देखिए 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 8, आपने सीधे लिख दिया। क्यूबिक रूट के निकालना है 64 का क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि देखिए 4 जो है उसी को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे मुझे 64 मिलता है। 4 4 16, 16 4 64, बस आपका उत्तर सीधे देखिए आ गया 4, ठीक है। ये आपको देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया, आंसर यही आएगा आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉन्ग में समझा दे रही हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। अब देखिए 64 का ये लिखा मैंने, अब ये सोचिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर, बाहर क्या लिखा रहेगा, 1/2। ऐसे ही कौन सा नंबर है जिसका क्यूब आपका होता है 64, तो 4 का क्यूब होता है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, दो दो देखिए कट जाएगा और तीन तीन कट जाएगा, क्योंकि पावर आपस में क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो कितना बचा, 8 का पावर 1 मतलब 8, और 4 का पावर 1 मतलब 4, तो क्या मिल गया आपको, 8 - 4, 4, आंसर कितना आ गया, 4। अभी देखिए जो इसके मैंने पहले क्वेश्चन किया था, ओके, उससे पहले भी देखिए आपको 4 ही तो मिला था इसका आंसर। दोनों मेथड से आपको 4 ही मिलेगा, मेथड से कोई इशू नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए और आपको अपने टाइम वहां पे सेव करना है एग्जाम में, ओके। तो आप अप्रोच अगर बेस्ट यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 117। देखिए इसमें क्या आप कह रहे हैं, देखिए ये वैसे सीरीज में तो 27 क्वेश्चन हुआ, क्योंकि मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 हमने पहले डिस्कशन किया है, 15 हम आज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए तो आपका 27 क्वेश्चन हुआ, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ -0.008, ओके, आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है, जैसे कि मैंने क्यूब रूट बोला तुरंत मैंने रूट का सिंबल लगा के छोटा सा 3 लिख दिया, अभी जी के पिछले वाले ने आपको समझाया था। नेगेटिव लगा लेंगे 0.008, इतना हमने लिख लिया एग्जैक्टली, आप समझिएगा। अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव कर दूं तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, देखिए 8/1000 और नेगेटिव, और देखिए क्यूब रूट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली पॉइंट को रिमूव किया है। अब आप देखिए अगर हम इसका यहाँ से क्यूब रूट से निकालेंगे तो देखिए ऊपर जब आप निकालोगे, आप देखिए ऐसे या फिर ऐसे लिख लो, 8 को मैं लिख सकती हूँ ना 2 × 2 × 2, और नीचे लिख सकती हूँ 10 × 10 × 10, कोई इशू तो नहीं है, और नेगेटिव को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्यूबिक रूट अभी भी लगा हुआ है, कुछ लोग को तो सीधे समझ में आ रहा होगा, तो आप सीधे ही निकाल लूंगी, कोई इशू नहीं है, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं आपको इतना लंबा थोड़ा बता रही हूँ। अब देखिए क्यूब रूट का सेंस क्या होता है, 3 में से 1 बाहर निकालना, मतलब क्यूबिक पेयर बनना, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, नीचे से 1 10 बाहर आ जाएगा, और नेगेटिव साइन, तो क्या आपको मिल जाएगा 0.2 विद नेगेटिव साइन, यही हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका सही आंसर, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो मिला वो कितना मिल गया, -0.2 इसका क्यूबिक रूट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 118 क्वेश्चन, दैट इज 28 क्वेश्चन। एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 496 + 318, आपको क्या करना है, देखिए आपको 496 को प्लस कर देना है, जोड़ देना है कि 318 में, और इसके निकटतम जो सैकड़ा है उसके अतिरिक्त आपको मान बताना है क्या आएगा। तो देखिए जब मैं से यहाँ पे जोड़ूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 8 6 14 9 1 10 1 11 4 3 7 1 8, अब आप सोच रहे होंगे 8 से 14 मुझे मिल गया, यही मेरा उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आपको देखिए ऑप्शन में दिया भी हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, आपसे कह रहे हैं आपको बताना क्या है, आपको बताना है नियरेस्ट 100, ओके, नियरेस्ट 100 में क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो ये सोचिए इसके आस पास सबसे जो नियरेस्ट 100 वैल्यू कौन सी है, आप देख सकते हैं ध्यान से कौन सी है, 800 वैल्यू है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इसका सही यहाँ पे उत्तर, ओके। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन, दैट इज 800 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको क्या करना है, 4 - 1/7 को सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करो, असेंबली लीजिए, 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 कर लीजिए, जब असेंबली लेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 7 देखिए 4 × 7 - 1,
दैट मीन्स यू विल गेट 28 माइनस 1, और क्या मिल जाएगा देखिए, 28 में से जब हम माइनस 1 करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 27/7 वैल्यू, और इसे हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। अभी मैंने आपको देखिए शुरू के लेक्चर में बताया था कि जब भी आपका जो अंश है वो बड़ा हो हर से, तो हमेशा उसे विभाजित करके लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना जगह देखिए, 7 3 21 होता है, ले जाइए, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बचेगा, ऐसे लिख दीजिए। ना क्लियर हो रहा हो तो आप ऐसे देख सकते हैं, 27 मैंने लिखा, 7 3 21, 6 बचा। ओके, अब ये जा नहीं सकता है, अभी रुक जाएगा, 7 से तो छोटा हो गया, बस अब हम इसको ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे, इसे ही बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका फाइनल आंसर, दैट इज 3/6/7। आइए देख लेते हैं कहाँ पे हमारे ये ऑप्शन मौजूद, या हमारा देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट इज 3/6/7 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन इज 2 होल 1/4 + 3/4। अगेन आपको एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है। देखिए क्या है, 2 होल 1/4 + 3/4। आपको मैं याद दिला दूं, आपको अगर इन सॉल्यूशंस का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप क्लियरली वहां से ये जो मैंने आपको सॉल्यूशंस कराए हैं एक एक क्वेश्चन के, आप उसे वहां से डायरेक्टली ले सकते हो। और ये अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो वो भी आपको, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, अगेन मैं इसे पहले कन्वर्ट करूंगी। देखिए 4 2 8, 8 + 1 क्या जाएगा, 9/4 + 3/4। ओके, नाउ यू कैन जस्ट सी दैट यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर आपका सेम है, 4 लिख लीजिए, और क्या लिखेंगे, 9 + 3 कितना जाएगा, 12/4 कितना मिल गया, 3, बस आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, है कि नहीं, हमें इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, और ऐसे हम पहले से इसका देखा जाए तो सेम था, तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर बन जाएगा। ओके, तो देखिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसमें हमने 2011 के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया, ऑल 15 क्वेश्चन। ओके, तो होप्स आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे, विद कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की है कि कोई भी आपका कंसेप्ट यहाँ पे छोटे ना। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑल्सो आप यहाँ पे देखिए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सॉल्यूशंस का भी, एंड आपको क्वेश्चन पेपर का भी लिंक एग्जैक्टली मिल जाएगा 2011 का, फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। ओके, और नेक्स्ट सीरीज हम लाते रहेंगे ऐसे ही, जितने भी आपको पेपर्स कराए गए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी रखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे बन सके। साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड आपको इन सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जैक्टली। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।